एंड मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। तो अगर ये दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि मास्टरबेशन की एडिक्शन को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो बस, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कल, यूट्यूब का नोटिफिकेशन था, उसमें एक भाई का कमेंट था। वो बोलते हैं कि भाई ये मेरा लास्ट कमेंट है आपके चैनल पे। तो मैंने कहा भाई ये क्यों बोल रहा है ऐसा। तो फिर मैंने उसके बाद उस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद मैंने उसका पूरा कमेंट पढ़ा। तो भाई बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैं 25 साल का हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य की जर्नी 2021 में शुरू की थी, लगभग एक साल हो गया है और मैं बहुत बार फेल हुआ करते करते। मैक्सिमम एक साल में 100 से 130 बार लगभग मैंने हस्तमैथुन या फिर मैस्ट्रुएशन कर दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। और मेरी हाईएस्ट स्ट्रीक जो है वो मैं 27 डेज तक कर पाता हूँ आज तक, उससे ज़्यादा कभी कर नहीं पाया। और आज मैंने अगेन कर दिया है, 2022 से मैंने स्टार्ट किया था, जो वो फोर्थ बार मैं कर चुका हूँ 2022 में। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि मैं यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, आपकी वीडियो देखता हूँ, आचार्य प्रशांत की वीडियो देखता हूँ, फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ, बट इस एक साल में मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ ब्रह्मचर्य को करते हुए, कर नहीं पाया हूँ। और अब मेरे पास इस ज़िंदगी को जीने के लिए कोई भी डिजायर्स नहीं बचे हैं, अब मैं इस लाइफ को नहीं जीना चाहता हूँ बोलते हैं, एंड मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, आई गिव अप। वो बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूँ, 10th 12th एंड BSc का रिज़ल्ट रहा है वो इस मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। और बोल रहे हैं कि जब मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा रोते हुए लिख रहा हूँ, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं लास्ट बार अपनी माँ को कॉल करना चाहता हूँ और उसके बाद भगवान ही बचाएंगे मुझे अगर बचा पाए तो, और मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। तो अगर ये दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, डेफ़िनेटली कुछ हेल्प मिले तो ठीक है भाई। सबसे पहले बात करते हैं इनके ब्रह्मचर्य के बारे में, मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम के बारे में, कि जो ये भाई कर रहे हैं एक साल में लगभग इतनी बार कर दिया इन्होंने, 130 बार लगभग, बट एटलीस्ट मैं इनसे बोलना चाहता हूँ मेरे भाई कि आपने कम से कम ट्राई तो किया यार, कम से कम ट्राई तो किया, इतनी बड़ी बात है मेरे भाई, आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की अपनी लाइफ में। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे साल भर कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, उनको पता तक नहीं है ब्रह्मचर्य के बारे में, वो लोग मज़े में किए जा रहे हैं हस्तमैथुन, और वो भी इंजॉय के लिए कर रहे हैं, उनको बस 2 सेकंड की खुशी के लिए उनको करने में मज़ा आ रहा है मेरे भाई। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता है मेरे भाई कि ये ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ होती है कोई इस दुनिया में, जो कि आपको करनी चाहिए इस दुनिया में, जो कि आपको हमेशा अच्छा बनाए रखती है, पावरफुल बनाए रहती है, पॉजिटिव रखे रहती है आपको, और नेगेटिव कितना बनाई रहती है आपको पता ही है। इस भाई की बातें सुन के पता लग रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है जो इंसान हस्तमैथुन या फिर ब्रह्मचर्य तोड़ता है, वीरनाश करता है अपना। बट मेरे भाई आपको प्राउड फील होना चाहिए आप पे कि आपने एटलीस्ट इतना कर दिया, और आप पूरे इस साल भर भी डेफिनेटली करोगे इस ब्रह्मचर्य की जर्नी को, पावरफुल तरीके से करोगे मेरे भाई, ये है बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, अपने आप पे प्राउड फील करो सबसे पहले तो। और दूसरा, जो लोग इस दुनिया में जो यूट्यूब में डॉक्टर्स हैं या फिर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि इस हस्तमैथुन की क्रिया को नेचुरल बता रहे हैं, उस वजह से बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में नेचुरल के चक्कर में लोग नेचुरल समझ के ही हस्तमैथुन कर देते हैं मेरे भाई, ये कितनी गलत चीज़ है। लेकिन कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और कितना नेचुरल है आपको इस भाई का कमेंट पढ़ के ही डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और दूसरा है कि आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ, जो बोल रहे हैं मेरे भाई कि ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यार, ये दुनिया क्या है आपको पता है, जो ये शरीर है आपको पता है क्या है, ये बस एक आत्मा है। भगवद गीता की बात है पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, अभी गीता में लिखा गया है कि जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मेरे सामने जो मेरे युद्ध करने वाले हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इनको मैं कैसे, इन पे मैं अस्त्र कैसे चला सकता हूँ बोलते हैं, तो श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो ये बस शरीर नहीं है, ये बस आत्माएं हैं, और आत्माएं अजर अमर रहती हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या है ये शरीर, इसको मारने से कोई मतलब नहीं मेरे भाई, इसको आप मारना चाहें या फिर जीवित रखना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस लाइफ में कर्म
करते रहो और फल की चिंता मत करो। अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो करते रहो उसको, केवल और केवल अच्छा सोच कर करते रहो। लाइफ में कुछ भी हवस जैसी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल फेंको। कहीं पे भी बुरी वीडियोज़ दिखती हैं तो उनको भी मत देखो। कहीं पे लड़की दिख रही है डांस करते हुए आधे कपड़े पहने हुए या फिर टाइट कपड़े पहने हुए, उसको भी मत देखो, इनको इग्नोर मारो। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, केवल अपनी लाइफ में कर्म करते हैं और अच्छा सोच कर कर्म करते हैं और ब्रह्मचर्य करते हुए कर्म करते हैं, तो आप हमेशा सफल रहेंगे। ब्रह्मचर्य करने में भी सफल रहेंगे और अपनी लाइफ में आगे अच्छा रिजल्ट लाने में भी डेफिनेटली सफल होंगे। ये बातें कही गई हैं भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में। तो मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंको मेरे भाई। और ऐसा बहुत सारे दोस्तों के साथ होता है कि आज कर दूंगा मैं मास्टरबेशन लेकिन अगली बार से नहीं करूंगा, और करने के बाद क्या होता है, नेगेटिविटी, केवल और केवल नेगेटिविटी आती है कि भाई मेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे भाई। आपको सबसे पहले तो इस तरफ जाना ही नहीं है, इस तरफ सोचना तक नहीं है मेरे भाई। और आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो और ये केवल और केवल आप पर डिपेंड करता है मेरे भाई। अपने आप को पावरफुल बनाने की सोचो बस। रोज़ वर्कआउट करो, पसीने बहाओ, कर्म करो अपनी लाइफ में, लेकिन 2 सेकंड की खुशी को इग्नोर मारते हुए करो। ये 2 सेकंड की खुशी नहीं है, ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 सेकंड के चक्कर में पूरा दिन भर वेस्ट होता है गंदी गंदी बुरी बुरी चीज़ों को सोचने में। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। और जो आप बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में मैं 10th में 12th में एंड BSc में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, तो एक मैं सच्चाई बता दूँ आपको कि मेरे भाई, लाइफ में जो लोग कहते हैं ना मैं फ़ेल हो गया, आजकल तो फ़ेल भी नहीं करते हैं लोग, आजकल तो कोई भी बच्चों को फ़ेल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोग फ़ेल होने की वजह से क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे लोग। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ जो सच्चाई है मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा आपको, कि लाइफ में कभी भी अगर आप स्कूली लाइफ में या फिर कॉलेज की लाइफ में फ़ेल हो रहे हैं, देन इट्स नो इश्यू, देयर इज़ नो इश्यू। लेकिन जब इंसान कॉलेज के बाद अपने साल बर्बाद करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद जब इंसान के साल बर्बाद होते हैं या फिर वो कुछ करता नहीं है लाइफ में और घर पे बैठ जाता है, तो वो भी एक तरह का फेलियर है मेरे भाई। इसलिए कॉलेज में रहते रहते अगर आप फेल हो गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कॉलेज के बाद कितना पैसा कमाते हैं और क्या कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और वो ही मैटर करता है आपकी लाइफ में, ना कि फेलियर 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर BTech या फिर MTech। लोग MTech BTech करने के बाद भी घर पे बैठे हैं तो उसका फ़ायदा क्या रहा, उसने बस पैसे बर्बाद किए, पास हो गया उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर किसी इंसान ने BTech या फिर किसी भी अपने कॉलेज में टॉप किया है लेकिन टॉप मारने के बाद भी अगर जॉब नहीं कर रहा है या फिर पैसे नहीं कमा रहा है, घर पे बैठा है, तो वो जो वेस्ट हो रहे हैं आपके साल, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ना कि अपने कॉलेज लाइफ में क्लास के टाइम पे स्कूल लाइफ में एक बार फेल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग अपनी लाइफ में फ़ेल होते हैं उनको ही रियल वैल्यू पता होती है लाइफ में, और वही लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं मेरे भाई। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि मास्टरबेशन की एडिक्शन को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो बस सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हैं वो बस अच्छा सोचना है। अच्छी सोच के साथ काम करते रहो अपनी लाइफ में, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और लोग यूट्यूब में बोलते हैं कि जब भी करने का मन करे तो अकेले मत रहो, किसी और के पास चले जाओ, बैठ जाओ किसी और के साथ बात करने चल जाओ या फिर बाहर चल जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपसे अकेले रहना सीखो, लाइफ में अकेले रहकर अपने आप से डिस्कस करना सीखो बातें। क्योंकि रात के टाइम पर आप जब सोते हैं तो आप मोबाइल में कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप अकेले ही होते हैं मेरे भाई। जब तक आप अपने दिमाग में बुरे ख्याल नहीं लाते हैं तब तक आप बुरी चीज़ें भी नहीं देखेंगे। जैसे आपके दिमाग में बुरे ख्याल आए यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू होनी स्टार्ट होती है। बुरे ख्याल आए उसके बाद आपने मोबाइल में बुरी चीज़ें देखना स्टार्ट किया, चाहे आप इंस्टाग्राम में लड़कियों को भी देख रहे हैं तो अगर उसको भी देख लिया देन उससे भी आपके दिमाग में बुरे ख्याल आ जाएंगे। इसलिए मेन चीज़ है सबसे पहले अपने दिमाग में बुरे ख्याल मत लाओ, एंड उसके बाद गलती से भी कहीं दिख भी जाए तो उसको भी इग्नोर करो। और व्हाट्सएप या फिर मोबाइल में अगर आपके इस तरह की कोई भी गंदी फोटो या फिर गंदी मूवी भी है तो उसको भी डिलीट करो और उनको देखो तक मत। बस यही आपकी लाइफ को बहुत महान बना देगा मेरे भाई। और कभी भी लाइफ में नेगेटिव हो जाते हो आप, तो यही टाइम होता है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने का मेरे भाई। जो नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को
बस आगे बढ़ते रहना है मुझे, बिना फल की चिंता करे हुए आगे बढ़ते रहना है मुझे। जिस इंसान ने ऐसा सोच लिया वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। नेगेटिव सिचुएशन को बस ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है कि यस एक दिन आया, चल कोई बात नहीं यार, अभी मैं सोया हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद ये नई जिंदगी है, इसको मैं दोबारा से पावरफुल तरीके से बनाऊंगा, अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करूंगा टाइम को, और बुरी चीज़ें सोचने में तो गलती से भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ अपनी लाइफ में। बस जैसे ही आपने ऐसा कर दिया मेरे भाई, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। और जो आप बोल रहे हैं कि अपनी माँ को मैं लास्ट बार कॉल करूँगा एंड इसके बाद मेरा भगवान ही देखेगा कि मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में और मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, तो दोस्त मरने से पहले एक बार सोच लेना कि लाइफ में, लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, डिप्रेशंस, आप देख रहे हैं जो भी आपको नेगेटिविटी अभी फील हो रही है, मरने से पहले कभी भी इस तरह के ख्याल आने से पहले उन लोगों को देख लेना जिन लोगों के पास रहने के लिए घर पे छत नहीं है मेरे भाई, लेकिन वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं जैसे तैसे करके। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पास हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग भी अपनी लाइफ को बहुत पावरफुल तरीके से जी रहे हैं। तो आपके पास हाथ पैर सब कुछ परफेक्ट आपके पास, और माता पिता के बारे में सोचना कि उनका क्या होगा, और आपके पास सब कुछ है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ सकते हो बहुत बड़ा मेरे भाई, बस ये सोच लेना लाइफ में। सो आज की वीडियो इतनी थी, बहुत लंबी वीडियो होगी है, बट लंबा क्वेश्चन था तो लंबी वीडियो बननी थी भाई, बट मुझे लगता है कि आंसर मिला होगा। सो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके बताएं, और अपनी अपनी स्टोरी शेयर करें दोस्तों नीचे कमेंट में, ताकि आपके कमेंट को देख के बहुत सारे दोस्त लोग मोटिवेट हो सकें, एंड इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ एंजॉय करें।